हमारे देश की मेजोरिटी हमारे देश के मुस्लिम को वफादार नहीं समझती, उनको देशभक्त नहीं समझती। कुछ लोग हमेशा फिराक में रहते हैं कि कैसे इंडियन मुस्लिम्स का टेस्ट लिया जाए कि उनके दिल में पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के लिए कितनी जगह है। तो क्या ये बात सच है कि इंडियन मुस्लिम्स के दिल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जगह है? और अगर जगह है भी तो ये क्यों है? और अगर कभी अखंड भारत बनना पॉसिबल हुआ तो इससे हमारे देश के मुस्लिम्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो साल 1967 से पहले यानी कि पार्टीशन से पहले इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी 25% थी, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो यहाँ पे कहने के लिए तो दो अलग अलग देश बने, लेकिन वो दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग देश बनाए गए, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में जाके बांग्लादेश बना। और जो ये पार्टीशन हुआ ये पूरा का पूरा धर्म के नाम पर हुआ। अब कहने के लिए तो मुस्लिम्स को एक अलग देश काट कर दे दिया गया, लेकिन एक्चुअल में मुस्लिम्स को एक देश नहीं बल्कि तीन अलग अलग देश दिए गए, जिनमें एक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। अब जो मुस्लिम्स वेस्ट इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, और जो मुस्लिम्स सेंट्रल इंडिया में रहते थे वो इंडिया में ही रुके रहे, और जो मुस्लिम्स ईस्ट इंडिया में रहते थे वो बांग्लादेश माइग्रेट कर गए। तो इसी तरह इंडिया की 25% मुस्लिम आबादी तीन अलग अलग देशों में बट गई। तो 25% इंडियन मुस्लिम आबादी में से 8-9% इंडिया में रुके रहे, 7-8% पाकिस्तान चले गए और 6-7% बांग्लादेश चले गए। तो इसका मतलब ये निकला कि इंडियन मुस्लिम्स के आधे लोग जो उनके घर परिवार थे, उनके रिलेटिव्स थे, आधे पाकिस्तान चले गए और कुछ परिवार उनके इंडिया में छूट गए। और ये परिवारों का बिछड़ जाना केवल मुस्लिम्स के साथ नहीं हुआ बल्कि ये सारे कम्युनिटी के लोगों के साथ हुआ। सेम हुआ सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के साथ, लेकिन जो बड़े पैमाने पर हुआ वो इंडियन मुस्लिम्स के साथ ही हुआ। अब उनका मन ये करता है कि काश हम पाकिस्तान जाकर अपने घर परिवार वालों, अपने रिलेटिव से मिल सकते, या फिर उनको ही यहाँ पर बुलाकर उनसे मिला जा सकता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में रहने वाले उनके घर परिवार वालों से, उन लोगों से उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो 1947 से पहले इंडिया के पाकिस्तान वाले हिस्से में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो 14% थी, और 1947 के माइग्रेशन के बाद वहां पर ओनली 1% रह गई। एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पाकिस्तान में जो 1% हिंदू पॉपुलेशन है उनकी फीलिंग्स यहाँ के लोगों से अटैच्ड है, इसलिए नहीं कि ये देश एक हिंदू मेजोरिटी देश है, बल्कि इसलिए जो उनके घर परिवार के लोग थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो 1947 में पार्टीशन के वक्त यहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। और आपने कई सारी स्टोरीज ऐसी सुनी होगी कि यहाँ पर पार्टीशन के वक्त बिछड़े हुए लोग अब जाकर मिले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि पिछले ही साल दो भाई 74 साल के बाद मिले थे। ये काफी इमोशनल स्टोरी थी। एक्चुअल में हुआ ये था कि पार्टीशन के वक्त वो दो भाई बिछड़ गए थे, जिनमें से एक भाई इंडिया आ गया था और एक भाई पाकिस्तान में ही रुका रहा। तो अब जाकर वो दो भाई कोई 74 साल बाद मिले। और एक सेम स्टोरी है कृष्णा कुमार खन्ना की, जो कि पार्टीशन के वक्त केवल 22 साल के थे, जो कि लाहौर को छोड़कर इंडिया आ गए थे। तो अब आजादी के कोई 70 साल बाद उनका मन हुआ अपने पुराने घर को देखने का और लाहौर के एक शेखुपुरा के स्कूल को देखने का। ये वहां पर वीजा लेके गए तो इनकी मुलाकात इनके पुराने बचपन के दोस्तों से हुई, और ये सब देखकर उनकी लिटरली आंखें भर आई थी। ये भी अपने आप में काफी इमोशनल स्टोरी है। कृष्णा कुमार खन्ना की वीडियो आप YouTube पर देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसी स्टोरी कोई गिनी चुनी स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये दोनों तरफ के लोगों की संख्या में है। और एग्जैक्टली सेम चीज फील करते हैं इंडियन मुस्लिम्स, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ पाते हैं, उनके फीलिंग्स उनके इमोशंस अटैच्ड हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी देश तो बहुत भी बहुत सारे हैं, बल्कि इसलिए कि कोई किसी फैमिली से बिलोंग करता है और कोई किसी के रिलेशन में है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो कई बार पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की जो विक्ट्री होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब वो उन देशों की विक्ट्री को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी उनके लिए टॉप पर है, वो इंडिया को इन दोनों देशों से ऊपर मानते हैं। और इस बात का प्रमाण उन्होंने दे दिया था 1947 में यहीं पर रुककर, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, वो आसानी से बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में रुककर इंडिया को टॉप पर रखा। तो ऐसे ही जब कोई नोक झोंक आपस में हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ। अरे भाई, उनको जाना होता तो पार्टीशन के वक्त ही चले गए होते जब उनके पास ऑप्शन भी था, और आज वो इंडिया में रुककर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर
वीर अब्दुल हमीद बनकर देश का गौरव ऊंचा नहीं कर रहे होते। अब कुछ हिंदुत्व ग्रुप के लोग मुस्लिम को इसलिए भी टारगेट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अखंड भारत के जो टुकड़े हुए थे वो केवल और केवल मुस्लिम्स की वजह से हुए थे। भारत के टुकड़े हुए थे अंग्रेजों की वजह से और कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से। एक्चुअली यहाँ पर जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर रायट्स हुए जिनमें लगभग सभी धर्मों के लोग मारे गए। जब इन रायट्स की आग धीमी हुई तो जियोग्राफिकल नक्शे पर दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग देश बनकर सामने आए और इन तीनों देशों में इंडियन मुस्लिम्स बराबर बराबर बढ़ गए। तो अगर इस तरह देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपने घर परिवार अपने रिलेटिव से बिछड़ने का दुख मुस्लिम्स को ही सहना पड़ा। तो अगर कभी अखंड भारत बनना पॉसिबल हुआ तो इसकी सबसे ज्यादा बड़ी खुशी होगी मुस्लिम्स को क्योंकि उनका रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन ये अखंड भारत बनना किसी भी हिंदुत्ववादी को रास नहीं आएगा क्योंकि अभी इंडिया में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो 14-16% है और उनका अखंड भारत बनने के बाद उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी 40%। तो कैसे किसी हिंदुत्ववादी लोगों को ये बात रास आने की है। लेकिन अखंड भारत बनने की सबसे ज्यादा बात तो यही लोग करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, कुतिया बनाया तुमको। तो ये चीज ऐसे मसले हैं जिनसे लोगों का ध्यान गवर्नमेंट के फेलियर से हटकर धार्मिक मुद्दों में लगा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के हालात भी श्रीलंका जैसे हालात बनने से दूर नहीं क्योंकि आप इन्फ्लेशन आज देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज देख सकते हो और यहाँ पे इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले सबसे लोवेस्ट पर है, ये भी आप बखूबी देख सकते हो। वैसे श्रीलंका के हालात ऐसे कैसे हुए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज के लिए दानिक्की को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।